हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो भाइयों, ये वीडियो किस लिए? ये वीडियो है मार्केटिंग के बारे में, जैसे कि CNC राउटर मशीन है, इसकी मार्केटिंग के बारे में और इसके मार्केट कैसा है अभी, और लोग जो ये डालना चाहते हैं मशीन, तो प्लीज़ ये मशीन मत डालिए और ये बिज़नेस छोड़ दीजिए, क्योंकि इस बिज़नेस का कुछ महत्व नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। क्योंकि जो मार्केट में लोग आते हैं 4-5 लाख की मशीन लेके आते हैं, उनके पास थोड़ा बहुत काम आता है, तो वो लोग है जो रेटे कम करके है, जो अपना काम बढ़ा रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 रुपये कमाने का कुछ नहीं है, पर इस चीज़ की वैल्यू वो लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या है। खाली उन लोगों ने मशीन सीख ली है कि हाँ भाई, हमने मशीन सीख ली है और हमें मार्केट बिगाड़ना। तो प्लीज़ मार्केट ना बिगाड़े। CNC मशीन, रोटर मशीन का बहुत अच्छा काम होता है, डिज़ाइन का काम है, ऐसा कोई नॉर्मली काम नहीं है। वुडन पे होती है, कार्विंग होती है, और जो लोग वैल्यू नहीं समझते हैं, तो प्लीज़ इसकी वैल्यू समझे और मार्केट मत बिगाड़िए। जैसे कि मार्केट में, मार्केट बिगाड़ने का एक तरीका है कि जैसे कि रेटें, सबसे पहले तो जो रेट्स होती है वो बहुत ही हो गए बोले ना के बराबर। आप नहीं सोचोगे, जैसे कि कोई नया बंदा वीडियो देख रहा है मेरा, तो उसको तो रेट के बारे में पता भी नहीं, और मैं इस वीडियो में बताऊँगा हमने क्या रेट चल रही है, क्या रेट नहीं चल रही, फिर भी लोग कमेंट्स में बता देते हैं हाँ भाई कि ये रेट यहाँ पर चल रही है या नहीं चल रही है करके। पर यहाँ की रेटें तो बहुत बिगड़ चुकी है। तो हमारे पाली ज़िले की बात करूँ तो पाली ज़िले में बहुत सी रेटें बिगड़ चुकी है। इस काम को ना 0 के बराबर माना जाता है, और जो हमारे कारीगर भाई है, जो बोलते हैं ना कि ठेकेदार लोग हैं, वो लोग समझते नहीं हैं। वो कस्टमर से पैसा तो उतना ही लेते हैं, पर हमारे यहाँ मशीनों वालों के पास आके पैसे कम करवाते हैं। अगर कम ना करें तो मशीनें लग गई है मार्केट अंडर, कॉम्पिटिशन के चक्कर में बहुत सारी मशीनें लग गई है और वो लोग कम में काम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं काम में कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही है, भले कितना भी कर लो कि हाँ भाई काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिले या फिर सेम काम मिले। अगर आप 500 रुपये वाला काम कराओगे तो आपको ऑब्वियसली 500 रुपये का ही काम मिलेगा। आप अभी कराते हो 200 रुपये में, बोलते हो 500 रुपये का काम करके दो, तो आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी चले जाओ। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी ये दिक्कतें आती है कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम्स फेस भी करनी पड़ती है कि हाँ भाई, हम पैसे भी दे रहे हैं और ऐसा काम भी हमें ना जैसा मिले। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे ठेकेदार होते हैं, जैसे कि ये ठेके लेते हैं, फर्नीचर के ठेके लेते हैं, वो लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास तो आते हैं, कम रेट में करा के जाते हैं और कस्टमर को बोलते हैं ज़्यादा रेट। तो हो सके तब तक तो कस्टमर है जो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए मशीन वालों से, ताकि हम भी आपको एक अच्छी चीज़ बना के दे सके, क्योंकि आपको 500 रुपये तो वैसे भी लगते हैं चीज़ के। तो कस्टमर है जो आपसे 500 रुपये लेता है और हमें 200 रुपये देता है, हम तो 200 रुपये वाला काम ही करके देने वाले। तो इससे हमारी मार्केटिंग भी ख़राब हो रही है, और है जो बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि हाँ भाई, उतार चढ़ाव। जैसे कि अभी मशीन का प्रॉब्लम चला है, जैसे कि अभी मेरी CNC राउटर मशीन है जो ख़राब हो गई है, तो अभी मैं रिपेयरिंग वाले को बुलाऊंगा तो नहीं करते, 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, ना मानो तो भी 5 से 10 हज़ार खर्चा होगा। और ये मेंटेनेंस हर 1-2 महीने 3 महीने में आता रहता है, ऐसे हाँ भाई, मशीन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो खर्चा है। और जो लोग नहीं समझते भाई कि हाँ भाई, इसके अंदर खर्चा कुछ नहीं है, तो इसके अंदर खर्चा है। और जो नया बिज़नेस चालू करना चाहते, प्लीज़ ये बिज़नेस मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर इतना कॉम्पिटिशन हो गया है कि भाई, आप एक बार लगा भी लोगे ना, तो बाद में फिर आप पछताओगे कि हाँ भाई, इसको अंदर कुछ कमाने को है नहीं, कमाने के लिए है नहीं, तो फिर आप लगा के मतलब नहीं कुछ भी। तो प्लीज़ मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सबसे, जो हमारे व्यूवर्स है और जिनके पास CNC राउटर मशीन है, तो प्लीज़ अपनी रेटें कम ना करें, एक एसोसिएशन बनाएं कि हाँ भाई, हम इतनी रेटें रखेंगे, कम नहीं करेंगे करके। आप मार्केट में रेटें कम करते हो तो ना तो आपको फ़ायदा है, ना हमें फ़ायदा है, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है, और कस्टमर को भी लॉस ही है। फ़ायदा है जो ठेकेदारों को होता है, कहाँ पे हुआ है, जो आते हैं और कम रेट में हमारे यहाँ से काम करवा के लेके जाते हैं। अब हम जैसे 200 रुपये में काम कराएंगे तो हम 200 रुपये का काम करके देंगे, फिर वो कस्टमर से है जो 500 रुपये लेते हैं। तो सीधा सा यही है कि भाई, कहीं ना कहीं लॉस है जो कस्टमर को होता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कस्टमर को कोई लॉस हो। तो प्लीज़ हो सके जितना संभल जाओ और इस धंधे को ख़राब मत करो, बहुत अच्छा धंधा है और आगे फ्यूचरिस्टिक धंधा है, कहाँ भाई डिज़ाइनिंग का धंधा है, और इसके अंदर बहुत से लोग आना चाहते हैं, कहाँ भाई डिज़ाइनिंग का काम होता है, तो वही बहुत बारीकी काम होता है। लोग बोलते हैं कहाँ भाई, डिज़ाइन के अंदर, मशीन के अंदर एक बार अपलोड कर दिया और डिज़ाइन अपना आप है जो बटना चालू हो जाती, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि डिज़ाइनर होते हैं, वो भी अपनी आंखें डालते हैं अंदर, सिस्टम के अंदर डालते हैं और डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, और सब कुछ मेहनत लगती है उनको भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मेहनत लगती है, और उसके बाद भी है जो उनको
पैसे उतने ना मिले तो फिर बाद में वो लोग भी है जो कम कर देंगे, ऐसे ऐसे करके पूरा धंधा खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी बात समझिए सीएनसी राउटर मशीन वाले जितने भी ऑपरेटर है, जितने के पास मशीन है, तो प्लीज़ अपनी रेटें कम ना करें, रेटों को बढ़ा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर डिजाइनर ही नहीं रहेंगे और डिज़ाइन बनाने वाले अगर डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो फिर बाद में है जो मशीन किस काम की, कोई काम की नहीं होगी मशीन। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल के माध्यम से सबको बताइए कि हाँ भाई ये धंधा बिगड़ रहा है और इस धंधे को मत बिगाड़िए। अभी तो मैं तो इस धंधे के अंदर नया नया हूँ, क्योंकि मेरे को आए 3 साल ही हुए, मेरे से पुराने पुराने लोग बैठे हैं, तो वो लोगों ने तो अभी कमा लिया, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया, कमा लिया, उनको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं तो दिक्कत उनको भी आ रही है यहाँ पे रेटों को लेकर, क्योंकि जहाँ वो लोग 500 कमा रहे थे आज 200 कमा रहे हैं, तो प्रॉब्लम फेस तो करनी पड़ रही है सबको। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से ये बात सब तक पहुंचाओ और धंधा मत खराब करो, मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है, इसके अंदर डिजाइनर भी कमाते हैं, ऑपरेटर भी कमाते हैं, और छोटे छोटे जो अपने वर्कर लोग हैं वो भी कमाते हैं। तो प्लीज़ आप एक दो थोड़ा सा 4-3 लाख की मशीन डाल देते हो और मार्केट बिगाड़ने की कोशिश करते हो, तो प्लीज़ मार्केट मत बिगाड़ो, कुछ बात को समझो। अगर आप नहीं समझोगे तो आपकी वजह से 2-3 लोग तो बेरोजगार होते हैं इस धंधे से, जैसे कि ऑपरेटर होता है, तो जो भी बंदे मशीन के ऑपरेटर रखते हैं तो वो भी ऑपरेटर नहीं रखेंगे, खुद ही से ही मशीन चलाएंगे और जितना होगा वो खुद ही अर्न करेंगे, तो एक और ऑपरेटर का प्रॉब्लम हो गया और डिजाइनर का। जैसे कि अभी डिजाइनर से अभी नए नए डिजाइन क्रिएट करवाते हैं, तो अभी कोई क्रिएट नहीं करवाता डिजाइन, नहीं, जो डिजाइन मार्केट के अंदर चल रही है वही चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि अभी रेट ही कम है, तो फिर अब क्या तो मशीन वाला कमाएगा और क्या डिजाइनर को देगा और क्या ऑपरेटर को देगा, तो ऐसे ऐसे करके पूरा धंधा खत्म हो रहा है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई इस धंधे को खराब मत कीजिए, बहुत अच्छा धंधा है, और हो सके तो अपना प्यार दिखाइए इस धंधे को, और जितने भी ऑपरेटर लोग हैं, जितने भी सीएनसी मशीन के ऑनर्स हैं, तो उनसे उनको भी ये वीडियो दिखाइए कि हाँ भाई ये दिक्कत आ रही है, तो मेरे पाली जिले के अंदर दिक्कत आ रही है, और भी सिटीज के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर भी है, और बहुत सारी जगह है जहाँ दिक्कतें आ रही है, और कई ऐसी जगह भी है जहाँ पे कोई दिक्कत फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इस धंधे की वैल्यू समझते हैं वो लोग, जो समझते हैं उनको तो दिल से धन्यवाद है, और जो ना समझते हैं उनको तो क्या बोलना, क्योंकि वो ना समझ है। चलो कोई नहीं, अगर ये बात मेरे को आप मेरी बात ही आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कैसी राय लगे, आपको कैसा लगे इस बिजनेस के बारे में, और आप अगर करना चाहते हो, एडवाइस लेना चाहते हो मेरे से, तो बेझिझक मेरे को कमेंट कीजिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कीजिए, इस वीडियो के लिंक के अंदर मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक शेयर कर दूंगा, और हो सकेगा तो मैं अपना नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पे, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही सीएनसी राउटर मशीन के बारे में और भी जानकारी और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।